क्वेश्चन नंबर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ नाइन टू द पावर थ्री बाई टू हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे इस नाइन जो बेस नाइन है इस नाइन का क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो नाइन का प्राइम फैक्टर होता है थ्री इंटू थ्री यानी थ्री स्क्वायर तो हम नाइन के स्थान पे लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर तो हमने लिख लिया थ्री स्क्वायर होल टू द पावर यहाँ पर पावर थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू तो अब क्या करेंगे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा थ्री टू द पावर टू इंटू थ्री बाई टू 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 कैंसिल आ गया थ्री टू द पावर थ्री मीन्स थ्री क्यूब और थ्री क्यूब का मतलब है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री टाइम्स थ्री थ्री जै नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन क्या हो गया आंसर आइए अब पार्ट सेकेंड पे चलते हैं इसका पार्ट सेकेंड है थर्टी टू टू द पावर टू बाई फाइव तो हम क्या करेंगे थर्टी टू का प्राइम फैक्टर निकालेंगे जैसे आप एल सी एम निकालते हैं तो थर्टी टू का प्राइम फैक्टर क्या होगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी टू का इंटू फाइव टाइम्स होगा तो हम लिख सकते हैं टू टू पावर फाइव अब यहां पर पावर टू बाई फाइव है तो होल टू द पावर टू बाई फाइव अब पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई स्केज में क्योंकि आपको ला बताया गया था तो ये हो गया टू टू द पावर फाइव इंटू टू बाई फाइव 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 कैंसिल तो बचा क्या टू स्क्वायर यानी टू टू द पावर टू मीन्स टू स्क्वायर बचा और टू स्क्वायर मीन्स होता है टू इंटू टू 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 जो फोर फोर क्या हो गया आंसर अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं देखिए नेक्स्ट पार्ट है सिक्सटीन टू द पावर थ्री बाई फोर तो हम सबसे पहले सिक्सटीन का क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो सिक्सटीन का प्राइम फैक्टर होगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी टू का मल्टीप्लाई फोर टाइम्स तो हम लिख सकते हैं टू टू द पावर फोर अब यहाँ पर होल टू दॉर थ्री बाई फोर यहां पर पावर देखिए थ्री बाई फोर है तो हम लिख लेंगे पॉवर थ्री बाई फोर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू टू दावर फोर इंटू थ्री बाई फोर 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 कैंसिल मतलब क्या हो गया आंसर अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है पावर माइनस वन बाई थ्री तो देखिए वन ट्वेंटी फाइव का आप क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो आएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव यानी फाइव का मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स तो हो जाएगा फाइव क्यूब अब यहां पर पावर माइनस वन बाई थ्री है तो हम लिख लेंगे होल टू द पावर माइनस वन बाई थ्री अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइव टू द पावर थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री ये थ्री थ्री कैंसिल क्या है फाइव टू द पावर माइनस वन तो फाइव टू द पावर माइनस वन आया है इसका मतलब पावर क्या है निगेटिव है तो हम इसका क्या कर देंगे रेशी प्रोकल फाइव का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हट जाएगा निगेटिव साइन हट जाएगा तो फाइव टू द पावर माइनस वन का मतलब है वन बाई फाइव तो वन बाई फाइव क्या हो जाएगा आंसर ओके okay?